तो आज आपने देखा किस तरह जो है वो सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता, और इतना ही नहीं समाजवादी पार्टी के भी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस बीच यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ कहा, राहुल और प्रियंका आज यमुना एक्सप्रेसवे पर जो प्रदर्शन करने पहुंचे उनकी बात सुनिए, क्या कह रहे हैं वो, किस तरह का आरोप लगा रहे हैं राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जी का एक इतिहास है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब भी वो विदेश जाते हैं और विदेश से जब भी वो लौटते हैं तो वो फोटो ऑफ करवाने में लग जाते हैं। आज भी जो एक्सप्रेसवे पे चल रहा है वो फोटो ऑफ ही हो रहा है, ना ही कोई सहानुभूति या संवेदनशीलता उनकी तरफ से या प्रियंका गांधी जी की तरफ से दिख रही है। जो अभी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, तो ये आप लोग स्वयं देखेंगे फुटेज में कि किसने गिराया या कौन स्वयं गिर रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ये एक फोटो ऑप है राहुल गांधी का। तो सिद्धार्थनाथ सिंह इसे फोटो अपॉर्चुनिटी बता रहे थे। उनका कहना है कि राहुल गांधी का फोटो अपॉर्चुनिटी है, और जिस तरह आज वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे यमुना एक्सप्रेसवे पर, प्रियंका गांधी भी वहां साथ थी, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ एक फोटो अपॉर्चुनिटी और लाइमलाइट के लिए राहुल गांधी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि क्या एक आम आदमी सड़क पर भी नहीं चल सकता, हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों रोका जा रहा है। उधर फतेहपुर में एक दिवसीय दौरे में आई जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने हाथरस घटना की निंदा के साथ प्रियंका वाड्रा के बयान पर कटाक्ष भी किया। ये घटना कोई भी है अच्छी नहीं होती है, और इस घटना के को जब मैं देखती हूँ तो मेरा दिल स्वयं अंदर से झकझोरता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया है, जिस अधिकारियों ने इस पर गलती की है उनके ऊपर कार्रवाई होगी, और कल मुख्यमंत्री जी ने तुरंत SIT गठित की है। क्योंकि देखिए ये सत्ता और विपक्ष का मामला नहीं है, संवेदनशील मामला है। जिस तरह से वहां प्रशासन ने किया सरकार उस पर गंभीर है। और चलिए तीन तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई, तीन तस्वीरें जो बताएंगी कि दरअसल कितने मोड़ इस पूरे केस में, इस पूरे घटनाक्रम में आ चुके हैं। हाथरस पर जबरदस्त सियासत हो रही है, सपा और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे हैं, अलग अलग जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने अब ये कहा है कि FSL रिपोर्ट से रेप की पुष्टि नहीं होती, मतलब जो सैंपल का FSL रिपोर्ट टेस्ट होने के लिए गया था उसकी रिपोर्ट के बाद अब रेप की पुष्टि इस घटना में होती नहीं। और तीसरी तस्वीर, परिवार ने संगीन आरोप लगाए हाथरस के DM पर और कहा है कि DM हमें धमकी दे रहे हैं, हमें दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना बयान मत बदलो, मीडिया आज है कल नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तुम अपना बयान मत बदलो, मुआवजा तुम्हें मिल रहा है और कुछ वीडियो मेरे पास हैं, अगर वो दिखा दिए मैंने या वो सामने आ गए तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें और गंभीर आरोप हाथरस के DM पर परिवार के सदस्य लगा रहे हैं। तो प्रियंका गांधी आरोप लगा रही है अन्याय रोकने के लिए हम उतरे, सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है। हाथरस कांड को लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है, मायावती ने भी ट्वीट किया है, जबरदस्त सियासत इसे लेकर सड़कों तक पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ यूपी पुलिस ने अब कहा है कि FSL रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती ही नहीं, और परिवार अब आरोप लगा रहा है कि प्रशासन उनको धमकी दे रहा है, उन पर दबाव बना रहा है और हाथरस के DM उनको धमका रहे हैं। तो ABP गंगा लगातार अपनी महा कवरेज में दिन भर के इस घटनाक्रम को और उससे जुड़ा हुआ हर एक पहलू आपके सामने रख रहा है। तकरीबन 40 मिनट पहले राहुल और प्रियंका को छोड़ चुकी है यूपी पुलिस, कालिंदी कुंज पहुंचा चुकी है, और ये वो पांच तस्वीरें, पहली तस्वीर राहुल और प्रियंका को डिटेन कर अपने साथ ले जा रही है यूपी पुलिस। राहुल के साथ जब धक्का मुक्की हुई
केंद्र और राज्य सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। पुलिस की ह्यूमन चेन को तोड़कर आगे जाने की कोशिश की तो दौरान पुलिसकर्मियों के साथ जो उनकी झड़प और धक्का मुक्की हुई उसमें वो सड़क पर भी गिरे। राहुल और प्रियंका ने परिचौक के बाद पैदल ही निकलकर मार्च करना शुरू कर दिया था जब पुलिस ने काफिले की गाड़ियां रोकी। इससे पहले जब वो दिल्ली से निकले थे तो डीएनडी में भी काफिले को रोका गया लेकिन वहां से आगे उन्हें जाने दिया गया बातचीत के बाद, लेकिन परिचौक पर उनके काफिले को रोक दिया गया लिहाजा वो लोग पैदल ही निकल पड़े। और उस दौरान सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके साथ थे, महिला कांग्रेस के सदस्य, युवा कांग्रेस के सदस्य, पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, सभी राहुल और प्रियंका के साथ पैदल ही मार्च पर निकल पड़े। पुलिस का भारी सुरक्षा बल इंतजार कर रहा था यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर टोल प्लाजा से ठीक पहले, जहां पर उन्हें निर्देश था कि यहां से आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। धारा 144 लगाई गई है, हाथरस को पूरी तरीके से धारा 144 लगा के बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। तो ऐसे में जब परी चौक पर गाड़ियों का काफिला रुका तो प्रियंका ने उतरकर पैदल मार्च करना शुरू कर दिया और उसके बाद उनके पीछे हो लिए वो सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता जो उनके साथ वहां पर हाथरस जाने के लिए जुड़े हुए थे। और फिर पुलिस ने राहुल और प्रियंका को डिटेन किया और ये वो तस्वीर आप कालिंदी कुंज की देख रहे हैं, तकरीबन 40 मिनट पहले कालिंदी कुंज जहां से दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है, यूपी बॉर्डर के पार का इलाका, बॉर्डर पार प्रियंका और राहुल को छोड़ दिया गया। गेस्ट हाउस उनको ले गई थी डिटेन करके यमुना एक्सप्रेसवे से, फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस जिसको पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, यहां उनसे बातचीत हुई, उनको समझाया गया और बातचीत हालांकि क्या हुई इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन 40 मिनट पहले उनको छोड़ दिया गया। और देखिए सिर्फ यूपी में ही नहीं दिल्ली में भी कांग्रेसी कार्यकर्ता